हम बच्चे नहीं आपके, हम हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी सभी का वेलकम बैक हो चुका है मानस चैनल व्लॉग्स के एक न्यू व्लॉग में। तो गाइस, अभी सुबह का टाइम हो रहा है, हमारा कितना बज रहा है, 10 बज रहा है भाई, 10 बजने 5 मिनट है अभी। और गाइस, आज हम लोग को कॉलेज भी जाना है, अभी बस 2-4 दिन की दिक्कत है और उसके बाद हम लोग ट्रिप पर भी निकलने वाले हैं जल्दी, एक मस्त सी ट्रिप करने वाले हैं। और अभी फिलहाल हम लोग भाई, मैं वीडियो पब्लिक ही करी थी और पापा देखो टीम में व्लॉग ही चलाया अभी ऐड आ रहा है, तो भाई सभी लोग जाकर देखना वीडियो। तो फिलहाल अभी हम लोग उठते हैं और रेडी होते हैं और सीधे निकलते हैं कॉलेज के लिए। तो गाइस, फाइनली हम लोग हो चुके हैं रेडी कॉलेज जाने को, तो फटाफट से हम लोग नाश्ता कर लेते हैं और सीधे निकलते हैं कॉलेज के लिए। तो नाश्ते में मम्मा ने आज हमें क्या दिया, मम्मा आलू का पराठा और दूध। यस, चलो भाई नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ता हो चुका है लेकिन भाई एक पराठा बच गया जो कि भूख बिल्कुल नहीं लग रही है, तो मैंने सोचा कि दो ही खाऊंगा, एक नहीं खाऊंगा। मम्मा एक रह गया है। ना 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 मामा, भूख खत्म। और चलो अब निकलते हैं सीधे कॉलेज के लिए। तो गाइस, फाइनली मैं क्लास लेने आ चुका हूँ, तो अभी अंदर जा रहा हूँ, फिर आता हूँ थोड़ी देर में बाहर। गाइस, हम लोगों ने एक क्लास अटेंड कर ली है और उसके बाद ये देखो बुक्कड़ को, एक और बुक्कड़, चार बुक्कड़ भाई, इन्हें पूरा टिफिन खारा खत्म कर दिया। ये देखो कुछ भी नहीं बचाया है, ये देखो ये टिफिन तेरा है क्या हैं? तभी कहूँ ऐसे क्यों चाट रहा है फिर, है ना। इन भाई साहब को नींद भी आने लग गई है खाने के बाद, है ना। बेड लगवा दें नागेश भाई, बेड कम से कम करो इनके, मिला दे। वो नीरज गया तो है नीचे भी, उसका नाम पता क्या, नीरज भवाना, नीरज गया होगा, नीरज गया होगा चाटने। अबे नहीं, वो चाटने क्या बोलते हैं, चाट पेपर, गुरु चेला आता था, चाट लेने, सॉरी चाट लेने, हाँ चाट लेने। तो भाई अभी हम लोग बाहर को ही खड़े हुए हैं, चले ऊपर, चले ऊपर, चले चलो भाई ऊपर चलते हैं, आ जाओ ऊपर चलें, ऊपर ऊपर आ रहा है। वैसे गाइस, हम लोग का अलाउ नहीं है ऊपर जाना, लेकिन एक बार घूम कर आते कि देख क्या आते हैं, है क्या ऊपर। यहाँ पर तो गाइस कूड़ेदान है, देख लो बोर्ड पड़े हैं और पूरा कूड़ेदान है। तो गाइस, अब ये एल्युमिनियम फॉइल है, नागे से सिर पर मारते हैं। गाइस, अभी मैं और नागेश भाई आए हैं, कहाँ पर नागेश भाई, स्वर्ग की सीढ़ी देखने, स्वर्ग की सीढ़ी लगी भाई हमारे कॉलेज में, तो चलो वो दिखाता हूँ आप लोगों को। गाइस देखो, ये है स्वर्ग की सीढ़ी, मतलब स्टार्ट होते ही खत्म, ऐसा क्यों है नागेश भाई, कुछ नहीं इस पे चढ़ो कूदो, ऐसा भाई कुछ इस तरीके की पता नहीं क्यों बनाई है, यहाँ से 1-2-3-4 स्टेप्स डाल दिए हैं और यहाँ पर खत्म, ऐसा है, कूदूँ क्या भाई, ऊंचाई तो बहुत ही है इसकी। लैब जाना है अभी? हाँ तुझे लैब जाना है? हाँ लैब जाने के बाद करते हैं सर। भाई बहुत खतरनाक सी लग रही है स्वर्ग की सीढ़ी, मैं चढ़ता हूँ स्वर्ग की सीढ़ी पे जो कि ये है, दिखा दो उधर, और छलांग लगाते हैं ऊपर से नीचे। अबे पत्थर भी है नीचे, संभाल के कूदना, जूते दे आके मैं कूद के दिखाता हूँ। उतर जा भाई, चल वे लेट हो रहा है लैब के लिए, चल 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 कूद जाऊं, पागल है क्या। 1-2-3 ये कूदा गाइस, मैं तो कूद गया लेकिन हाइट तो थी अच्छी खासी हाइट थी, और अब देखते हैं नागेश भाई कूद पाते हैं नहीं कूद पाते हैं। कूद जाओगे? चलो भाई लेट्स, चलो नागेश भाई नहीं टूटेंगे, इधर चला आगे, नहीं इधर लगाना, हाँ डर लग रहा, मैं तो कूद गया था, कूद जाओगे, कूदो, इतना कूद जाओगे भाई, इतना कूदते हैं हम लोग, घर पे भी कूदते हैं इतना भाई, इतना नॉर्मली शायद कूद सकता है इंसान, मेरे ख्याल से मैं तो कूद गया था। भाई नागेश फुटबॉल की तरह, फुटबॉल की तरह तो जंप हुए हैं। राइट, रिस्क लेना चाहिए कभी कभी, लेकिन भाई कोई फर्क नहीं पड़ा, फर्क पड़ा कोई, कोई फर्क नहीं पड़ा, कपड़े गंदे हुए बस।
चलो गाइस अब हमारी एक लैब रह गई थी, वहाँ चलते हैं लैब लेकर आते हैं। तो गाइस हम लोग जा रहे थे अपनी लैब लेने, लेकिन यहाँ पर पानी पीने का मन कर रहा था, गड्ढा खुदा हुआ इतना बड़ा, तो पानी पीते हैं भाई। गिरना मत, नीचे गिर जा। अगर आगे फिसल जाए तो क्या होगा? नहाने करने लगा, नहाले भी कपड़े उतार रहे हैं। तो गाइस हम लोग आ चुके कंप्यूटर लैब में, यहाँ पर हमारी लैब लगेगी। बस खुल क्यों नहीं रहे, क्यों नहीं खुल रहे भाई? अभी कौन होगा, सब खुल जाएंगे। प्लग है कहाँ पर? सर आगे खोले। चलो भाई यही बढ़िया है, बैठे हुए हम तो ऐसे कर रहे हैं। इस आखिरी वाली लैब भी हम लोगों ने ले ली है, और भाई लेकिन बैंड बज गया, मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब सी हो रही है, सर दर्द हो रहा है, तो फटाफट से निकलते हैं घर के लिए। तो गाइस मैं पहुंचा हूं घर पे, और इन भाई साहब को देखो, अभी ये नाली से बॉल उठाई है इन्होंने, ठीक है, और उसी से खेल रहे हैं। अभी अंदर जाकर हाथ भी नहीं धोएंगे, है ना? ऐसा ही है ना? मत कर। गाइस मैंने ये बात बताई आपको कि नाली से बॉल उठाई इसने, भाई मैंने भी ऐसे ही करता ना, सभी बच्चे ऐसे ही करते हैं, जो देसी बच्चे होते हैं ना सब ऐसे ही करते हैं, उठाते हैं लेकिन हाथ धो लेते हैं। ये भी हाथ धोएगा, अभी धोएगा नहीं धोएगा? पक्का? तो गाइस पता है सुबह से मैंने एक पराठा खाया है, और इतनी तेज भूख लग रही है ना, बहुत ज़्यादा तेज। चलते हैं फटाफट से और कुछ खाते हैं। तो गाइस मैं आया मम्मी के पास, मम्मी मुझे कुछ जीरो खाने को, इतनी तेज भूख लग रही है, मैं क्या बताऊँ, और तबीयत भी मेरी खराब होने वाली है पक्का है। बहुत मेरी बहुत बुरी होने वाली है। हाँ और गाइस मेरे गला देखो, आप आवाज से पता चल जा रहा होगा आप लोगों को, सर्दी बहुत तेज दर्द हो रहा है मेरा, बहुत ज्यादा तेज। तो फिलहाल गाइस हम पे यहाँ पर ये वाली सब्जी है, लेकिन इसका नाम नहीं पता, क्या है मम्मी? है दीदी ने बनाई है, बेटा मुझे पता नहीं भाई का नाम, मुझे भी नहीं पता, सॉरी। और यहाँ पर रोटी है, तो चलो जल्दी से खा लेते हैं। गाइस डांस तो कर लिया लेकिन मेरे सिर में दर्द कम नहीं हुआ है। और यहाँ पर देखो बड़े पापा मेरे क्या लेकर आए हैं। पापा दे दो मुझे, दे दो, दे दो ना प्लीज, प्लीज दो नहीं सकते आप, छोटे बच्चों को दे रहे हो, बड़े को नहीं दे रहे हो। ये जेब में भी है, जेब पकड़ रहे, पकड़ 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 पकड़। पापा दे दो ना, पापा प्लीज। अरे पापा गिर गया, पापा प्लीज, पापा दे दो ना, पापा प्लीज। तो गाइस बताओ पापा हमारे क्यों नहीं दे रहे होंगे? छीन ले, छीन मार, दे नहीं सकते पापा, हम बच्चे नहीं हैं आपके, हम पकड़ गए। मैं तो बड़ा दुखी हूँ भाई, सबका जोर मेरे कैमरे पे चलता है, जो पकड़े वो फोन छीन लेता है भाई, और फोन छीन के अपने बाहर रख लेता है। आखिर पापा देखो दिया नहीं हमें, दिया ही नहीं। तो गाइस अभी एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है, छोटी सी प्रॉब्लम ये हुई है ना कि हम लोग शर्ट लेकर आए थे ना उस दिन, बड़े पापा के लिए भी लाए थे, लेकिन भाई बड़े पापा को छोटी हो गई है ना मम्मी? हाँ। तो क्या करें, चेंज करवा लें? चेंज करा के बड़ी लेके आना। तो चलो गाइस चलते हैं दोबारा से वहीं, और बात भी हो गई थी उनसे, वो कहते आ जाना चेंज कर लेना, तो चलते हैं और चेंज करवा के लेकर आते हैं। मम्मा इसको वो कर रही हैं बिल्कुल सही तरीके से पैक, हम लोगों ने भाई एक बारी पहनी नहीं, जैसे निकाली और वैसे वो छोटी दिख गई, तो फिर हम लोगों ने ऐसी रख दी थी। तो गाइस फिलहाल अभी दीदी जा रही है मेरे साथ, मम्मी नहीं जा रही। आ चुके हैं गाइस हम लोग शॉप पर, हम लोग को जाना है ऊपर, चल चल ऊपर चल। तो गाइस फाइनली हमारी शर्ट चेंज हो चुकी है, अब दिखाएंगे बड़े पापा को, उनको बहुत टाइट हो गई थी ना पेट के चक्कर से, तो अब दिखाएंगे, आप देखते हैं अच्छी लगती है नहीं लगती है उन्हें। दीदी तुझे क्या लग रहा है, लगेगी पापा को अच्छी? हाँ। अब अच्छी है ना? घर के बच्चे हम लोग, और यहाँ पर देखो बारात जा रही है, एक बारात जा रही है, वैसे बुलाया तो हम लोग को भी है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ पापा और पापा जा रहे हैं, क्योंकि बहुत दूर जाना ना इसलिए। बारात देखकर आ चुके हम लोग घर पर, और भाई जा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन भाई थोड़ी तबीयत भी खराब है ना मेरी, पापा लोग जा रहे हैं लेकिन। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करा मैंने, आ चुका हूँ ऊपर वाले कमरे में, और ये देखो टाइम कितना हो रहा है, 10 बजने वाला है। और भाई मम्मी ने यहाँ पर मुझे नाश्ते में मतलब डिनर में दिया है, मैं भी क्या बोल रहा हूँ, डिनर में दिया है थोड़ी सी मैगी है और हाँ रोटी है, चलो खा लेते हैं, क्योंकि यार और हरी चीज़ खाने का मन नहीं करता ना बुखार के टाइम पे, तो यही खाते हैं। अब खा लेते हैं दवाई, यहाँ पर दवाई आ चुकी है।
दवाई तो हम लोगों ने खा ली है, तो चलो अब फिलहाल के लिए इस व्लॉग को भी हम लोग यहीं पे कर देते हैं एंड। सो आई होप ये व्लॉग आप सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। कल सुनते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।